हेलो एवरीवन, आज हम लेकर के आए हैं गेहूं के आटे और आलू से बनने वाले जबरदस्त से नाश्ते की रेसिपी। ये नाश्ता बहुत ही मजेदार होता है, टेस्टी होता है, खाने में लाजवाब होता है। एक बार आप इसे बना के खा लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा, जो वजन में लगभग 250 ग्राम होगा। इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच अजवाइन, जिसको हथेलियों पर रखकर हम रगड़ के डालेंगे जिससे खुशबू अच्छी आएगी, और 1/2 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। चाहे तो घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। ये आटे का नाश्ता है तो मोवन हमें अच्छे से देना है। अब आटे को घी में अच्छे से रगड़ते हुए हम मोवन देंगे, और मोवन हमें इतना देना है कि जब इसकी हम मुट्ठी बनाएं तो आटा हमारा बिल्कुल बंध जाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अभी मोवन देने के बाद इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसका सख्त सा डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको गूंथ लेंगे। डो हमारा सख्त रहेगा तो जो हमारा नाश्ता बनेगा वो क्रिस्पी बनेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। और ये लीजिए, अब हमारा ये डो बन करके तैयार हो गया है, आटा गूंथ गया है। इसको ढक करके रख देंगे रेस्ट के लिए। और अब चलिए फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने 4 आलुओं को बॉयल करके छील लिया है। इसे हमें रफली तोड़ लेना है। आलुओं को तोड़ने के बाद एक पैन में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल को हमें हीट करना है और इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा चटकने लगेगा इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है, गोल्डन फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को हमें कच्चापन निकलने तक भून लेना है। तो ये देखिए, कुछ ही सेकेंड में लहसुन अदरक भून गया है। अब इसमें बॉयल किए हुए मैश किए हुए आलुओं को डाल देंगे। तो आलू देखिए अभी बड़े बड़े चंक्स में हैं, इनको हम दबाते हुए तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। तो एक बार पहले ऑयल में मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आलू अच्छे से मिक्स हो गया है, फ्लेम को हम लो करेंगे और मसाले ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले 1/2 चम्मच सादा नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अब इन्हें हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है। धीमी धीमी आंच पर इसे हम चलाते हुए भूनेंगे और आलूओं को मैश करते जाएंगे, यानी कि हमें भूनने के साथ साथ आलू को तोड़ते भी जाना है। तो इस तरीके से देखिए, हम यहाँ पर मिक्स करते जा रहे हैं, आलू हमारा भूनता जा रहा है और जो आलू के बड़े चंक्स हैं वो भी टूटते जा रहे हैं। तो इसे हम इस तरह से देखिए भूनेंगे कि थोड़ी देर में ये पैन को छोड़ने लगेगा। जितने अच्छे से हम मसाला बना के तैयार करेंगे आलू का, उतना बढ़िया हमारा नाश्ता बनेगा। तो लगभग इसको हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और ये पैन को भी छोड़ने लगा है। तो लीजिए, फिलिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। अब इसे एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हमने गूंथा नहीं था, सिर्फ इकट्ठा करके रखा था, तो एक बार इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। गूंथने से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन डो हमें कड़ा ही रखना है। अब इसकी हमें लोई बना लेनी है। लोई हम रोटी से थोड़ी सी बड़े साइज की लेंगे और इसको एकदम चिकना सा बॉल बनाते हुए इसकी चकली बना के तैयार करेंगे। अब चलिए इसकी रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ लीजिए, रोटी हमने बना ली है। अब इस पे हमें ऑयल लगाना है। ऑयल को डालने के बाद थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे या फिर सूखा आटा, और जैसे पराठा मोड़ते हैं उसी तरीके से दोनों साइड से इसको मोड़ेंगे और फिर से घी लगाएंगे, फिर से मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड से फिर एक के ऊपर एक इसको मोड़ देंगे। इससे लेयर बनेगी और खस्तादार हमारा नाश्ता बन के तैयार होगा। अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमारा स्क्वायर पराठा बन रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि बहुत मोटा हमें नहीं रखना है, पतला ही चाहिए। रोटी से थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब इसे हम 4 भाग में बांट लेंगे इस तरीके से। बाकी के 3 हिस्सों को हटा देंगे और एक हिस्सा ले लेंगे। इसको हम बिल्कुल अच्छे से स्क्वायर शेप देंगे। और जो आलू की चटपटी सी फिलिंग हमने बनाई है उसे बीच में थोड़ा सा रख लेंगे।
अब चारों तरफ पानी लगा लेंगे और इसको मोड़ देंगे। किनारों को अच्छे से चिपका देंगे और फोक की मदद से इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन भी बन जाएगी और नाश्ता अच्छे से चिपक भी जाएगा। तो ये लीजिए, एक नाश्ता हमारा बनके तैयार है। इसी तरीके से सारे नाश्तों को बना लेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हम बिल्कुल लो फ्लेम पे हीट करेंगे। ये देखिए, हमने ऑयल में नाश्तों को डाल दिया, लेकिन बहुत हल्के से बबल्स बन रहे हैं, तो इतनी धीमी आंच पे इन्हें फ्राई करना है। धीमी धीमी आंच पे फ्राई करने से नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा और मोयन भी हमने अच्छे से लिया है। तो इसे दोनों साइड से हम उलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम पलटते रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि नाश्ते में हल्का हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसे हम क्रिस्पी और लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्लेम को पूरी टाइम में हमने लो ही रखा है और लो फ्लेम पे ये देखिए हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। अब इसको ऑयल से हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी के नाश्तों को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ लीजिए, नाश्ता हमारा फ्राई होकर के तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया सी लाजवाब सी रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में समोसे जैसा टेस्ट है। ऊपर से क्रंची है और अंदर से टेस्टी फीलिंग से भरी हुई है। ये नाश्ता हमारा बहुत ही खस्तादार बना है, तो आप भी एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई करिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।